गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस विल बी योर 27th लेक्चर ऑफ मैथ्स। बेटा ये मैथ्स का आपका 27th लेक्चर है, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया था। अब आप ध्यान दीजिए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में आपका 4th किया था, उससे पहले हमने 3rd किया था, और आपका 1st-2nd चैप्टर हम उससे पहले करवा चुके हैं, ठीक है। 1st-2nd क्वेश्चन आपके हम करवा चुके हैं। अब आपके बच्चे हैं 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें से 5 और 6 आपका एग्जैक्टली 3rd और 4th के जैसा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली 3rd और 4th की तरह है, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवाऊंगा। 7th और 8th क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप ही करने हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी तक हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 इज अ जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। He finds that in doing so, 60 soldiers are left out. If the total number of soldiers be itna, find the number of soldiers in each row. देखो क्या बोला गया है कि एक आपका कोई जनरल है, ठीक है। जनरल कौन होता है? आर्मी को जो संभालता है काफी, मतलब देखो आर्मी में काफी ज्यादा पोस्ट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके कैप्टन होते हैं, उससे पहले आपका सूबेदार होता है, ठीक है। उससे पहले आपका हवलदार होता है। तो ये कुछ रैंक्स हैं, कैप्टन के बाद फिर आप लेफ्टिनेंट का क्या नाम है, कर्नल बनते हैं, ठीक है। कर्नल के बाद फिर कहीं जाके आप जनरल बनते हैं। अपने इंडियन आर्मी में जनरल सिर्फ एक होता है, बट ये पता नहीं कौन सी आर्मी के हिसाब से है जिसमें जनरल आपकी आर्मी को अरेंज कर रहा है, क्योंकि जनरल एज इन हमारी कंट्री में जो जनरल होता है, इट इज़ अ वेरी बिग पोस्ट, ठीक है। तो वो कभी भी आर्मी को अरेंज नहीं करता है, उसके लिए कैप्टन या फिर आपके कर्नल लेवल तक लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, इन्होंने बोला कि एक कोई जनरल है जो कि अपनी आर्मी को, आर्मी में आपके दिए गए हैं 8160 लोग हैं, ठीक है। आपकी आर्मी में इतने लोग हैं, इतने पर्सन हैं या इतने सोल्जर आप बोल सकते हो, ये आपके सोल्जर्स का नंबर है, ठीक है। आपके सोल्जर्स हैं 8160, ठीक। अब इतने सोल्जर्स को उसने ऐसे अरेंज किया कि रोज में अरेंज किया, ठीक है, और रोज में इस तरीके से अरेंज किया कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर के शेप में बन गया। मतलब इस तरीके से रोज में अरेंज किया कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रही है? देखो, अगर रोज ज्यादा हो गए कॉलम के कंपेरिजन में, ठीक है, अगर रोज ज्यादा हो गए कॉलम के कंपैरिजन में, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो रोज का नंबर, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम भी होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो जैसे ये मान लो 5 रोज हैं तो 5 कॉलम होंगे, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, है ना। अगर हमारे रोज का नंबर ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ कॉलम, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि एक ऐसा उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया है कि जितने रोज में लोग खड़े हैं उतने ही कॉलम में खड़े हैं। समझ में आया? मतलब जैसे अगर मान लो 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम भी हैं, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 रोज हैं तो 2 कॉलम होंगे, ठीक। अब 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हुए, कॉलम कौन बनाएगा? जो आदमी उसमें बैठा हुआ है, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो यही चीज तो हुई। मान लो अगर 3 रोज हो गए तो हमारे 3 कॉलम्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक चीज आप नोटिस करो कि जब हमारे 2 रोज थे और 2 कॉलम थे तो हमारा क्या आया था? 4 आया था, 2 into 2, ठीक। अभी हमारे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा?
3 into 3 that is equal to 9, 9 लोग अरेंज हुए, ठीक है। तो जितने रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे, तो स्क्वायर नंबर ऑफ जो लोग अरेंज हो पाएंगे वो उसके स्क्वायर अरेंज हो पाएंगे, ठीक है। मतलब तीन रोज में और तीन कॉलम में आपके टोटल 9 लोग अरेंज हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें अरेंज कितना करना है, देखो 60 सोल्जर्स रह भी गए, जब उसने अरेंज कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, उस टाइम पर 60 सोल्जर्स रह गए थे जो कि अरेंज नहीं हुए थे, तो कितने लोग अरेंज हो गए थे, मतलब 60 सोल्जर्स जो कि अरेंज नहीं हुए अगर उन्हें हम हटा दें तो कितने लोग अरेंज हुए। तो बेटा माइनस 60 अगर हम इसमें से कर दें तो हमारे पास लोग जो कि अरेंज हो गए वो हो गए 8100, समझ में आया, 8100 लोग अरेंज हो गए। 810 क्या है, 810 पीपल है, यहां पे हमारे नंबर ऑफ पीपल क्या होता था, 9, नंबर ऑफ पीपल 9 होता था, जब तीन रोज और तीन कॉलम्स होते थे तो नंबर ऑफ पीपल 9 होता था, समझ में आ रहा है। फिलहाल हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं 8100, ठीक है। तो ये किस में, कितने रोज में और कितने कॉलम में अरेंज करके ये बने होंगे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, तभी ये इतने लोग अरेंज हुए होंगे, है ना। तो बेटा हमें 8100 का स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल सा ये आपको समझाना चाह रहा था मैं कि 8100 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखो कैसे, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ये, तभी तो अरेंजमेंट हुआ, है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8100। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें जो सोल्जर्स का नंबर दिया गया है, टोटल सोल्जर्स हमें दिए गए हैं, टोटल सोल्जर्स हमें दिए गए हैं 8160, ठीक है, 8160 हमारे नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, ठीक। चलिए जिसमें से अनअरेंज्ड कितने रह गए, अनअरेंज्ड कितने रह गए हमारे 60, ठीक है, अनअरेंज्ड कितने रह गए हमारे 60। तो सॉरी यहां पे ये स्पेलिंग थोड़ी सी, ठीक है, अनअरेंज्ड रह गए 60, तो अरेंज कितने हो गए बेटा आपके, अरेंज्ड हो गए 8160 माइनस 60, तो ये आ गया आपका 8100, ठीक है, इतने लोग अरेंज हो गए, ठीक। अब वो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज को ऐसे अरेंज किया है कि वो स्क्वायर के शेप में कलेक्ट हो गए, तो स्क्वायर तभी बन सकता है जब हमारा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है। तो अब इसमें लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि नंबर ऑफ रोज इज सच दैट कि वो एक स्क्वायर का शेप ले लेते हैं, तो स्क्वायर का शेप कब लेंगे, जब हमारा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, हमने नंबर ऑफ रोज मान लिया x, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x एंड x इनटू x इज इक्वल टू 8160, ठीक है, x इनटू x इज इक्वल टू 8160, ठीक, ये बात समझ में आई सबको, हाँ इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक, इक्वेशन क्या मिली है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 8160, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8160, क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8160। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8160, ठीक। अब देखो ध्यान दो, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो ये बन गया आपका 8160 क्यों होगा, सॉरी 60 नहीं होगा, 00 होगा ना, अरेंज डेटा के लिए लेना है ना अपने को, ये अरेंज डेटा के लिए लेना है, ठीक है, अरेंज जो पीपल हैं उनके लिए लेना है, तो 8100 लेना है, ठीक है। अब हमें 8100 के स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए बेटा आप एलसीएम से डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, और एलसीएम की हेल्प से भी निकाल सकते हो,
ठीक है। तो जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 8100 को मैंने 81 × 100 लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 8100 को 81 × 100 लिख दिया। तो 81 × 100 का मतलब क्या हुआ, 8100 ही हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैंने क्या किया, 81 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 9 × 9। तो 81 की जगह हमने 9 × 9 लिख लिया। ठीक है, और 100 की जगह हमने लिख लिया 10 × 10। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिंपल हो गया। अब देखो इसमें हमने को क्या करना है, सिंपली 9 में से एक 9 बाहर आ जाएगा, 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा आपका 9 × 10। तो x की वैल्यू आ गई 9 × 10। तो आपसे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 90। बस आंसर आ गया, समझ में आया हमने क्या किया। देखो ध्यान दो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको नंबर ऑफ सोल्जर्स दिए गए थे इतने, इनको हमें ऐसे अरेंज करना था कि जो रोज मैंने अरेंज किया है वो रो एक परफेक्ट स्क्वायर के शेप में बन रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर के शेप में तभी बन सकते हैं सारे अरेंज सोल्जर्स जब आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो तभी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली चीज तो हमें ये बताया गया कि इतने लोगों को अरेंज करना था जिसमें से ये अरेंज नहीं हुए। ठीक है, तो अरेंज कितने हुए, ये। तो जब हमने इतने सोल्जर्स को अरेंज किया तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बना। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ये, हमने इसके बराबर कर दिया। फिर हमने इस इक्वेशन को ऐसे करके कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर को हम उधर भेज दिया तो स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट लगने के बाद हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 90, और एक्स क्या था आपका, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज 90 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा बस आपका इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका 3.5 वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे। 3.5 वाला एक्सरसाइज आपका नहीं कराया जाएगा क्योंकि डेसिमल आपके उसमें कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो उसको अभी आप लोग स्किप कर देंगे, वो एक्सरसाइज हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा हम लोग अब चैप्टर नंबर आपका 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ही है शायद, एक मिनट रुकिए। हाँ, चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 आपका स्टार्ट कराऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 3.4 के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में आपका सिर्फ ये था लेक्चर 27 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया आपका 3.4 का। 3.5 आपके कोर्स में हटा दी गई है तो 3.5 आपको नहीं करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।